हेलो एवरीवन, तो काफी समय बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट आ रहा था कि सर क्या कॉमेड के 23 का एक्सक्लूसिव राउंड आने वाला है क्या? तो बच्चों उसको लेकर के मैं प्रॉपर आपको अपडेट दे देता हूं और किस रैंक तक के आपको कॉलेज एक्सक्लूसिव राउंड में आपको मिलने वाले हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कौन कौन बच्चे जो हैं वो हमें कमेंट कर रहे थे लगातार वीडियो पे कि देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि यहां पे जो बच्चे हैं आप यहां पे देख पाएंगे कि लगातार जो बच्चे कमेंट कर रहे थे, ये कमेंट कर रहे थे कि सर एक्सक्लूसिव राउंड हो सकता है क्या, और उसके नीचे बहुत सारे रिप्लाई थे बच्चों को लेकर के। और एक बच्चे ने डायरेक्ट ये पूछा है कि क्या कॉमेड के का राउंड 4 भी हो सकता है क्या। अब देखिए बात यह है बच्चों कि यहां पे राउंड 4 होने की संभावनाएं तो नहीं बन रही है, क्योंकि मात्र जो है 14,000 सीट के आसपास आपका कॉमेड के में बच रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं कि एक्सक्लूसिव राउंड होने का चांस जो है बिल्कुल कंफर्म है। अब वो मैं किसके आधार पे बता रहा हूं, तो चलिए मैं आपको कॉमेड के का वेबसाइट आपको दिखाता हूं कि वेबसाइट में बिल्कुल ये अपडेटेड है कि आपका कहीं ना कहीं कॉमेड के का जो है एक्सक्लूसिव राउंड जरूर होगा। लेकिन कब होगा उसको लेकर के अभी कोई नोटिस नहीं है। जैसे ही कोई नोटिस आता है हम आपके साथ वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वो वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अब बच्चों एक बात आपको मैं बता देता हूं, यहां पे जरा गौर से आप कॉमेड के का वेबसाइट देखेंगे तो यहां पर आप देखिए जरा, आपको मैं बता देता हूं कि जो डेट था रिपोर्टिंग जो डेट था वो आपका 4 सितंबर था। रिपोर्टिंग डेट कब था आपका? 4 सितंबर था। वहीं पे बच्चों आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूं कि इंजीनियरिंग का वैकेंट सीट ऑफ्टर राउंड 3 डिसीजन मेकिंग नोटिफिकेशन, जो कि ये 4 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था, जिसमें ये डिसीजन मेकिंग आप कॉल इससे प्रॉपर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सक्लूसिव राउंड आपको आएगा। अब बच्चा एक चीज और, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, अब मैं आपको कॉलेज लिस्ट दिखाता हूं कि कौन कौन से कॉलेज में आपका कितना सीट है और उसके बेसिस पे क्या कितने रैंक तक आपको जो है एक्सक्लूसिव राउंड में आपको जो है कॉलेज आपको मिल पाएगा। बच्चों बहुत ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा और अंत तक देखिएगा। मैं आपको सीधे लास्ट पेज पर लेके चलता हूं, फिर मैं फ्रंट पेज पे आऊंगा। सबसे पहले मैं लास्ट पेज पे आपको लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये 37 पेज का ये PDF है। अब लास्ट पेज पे आते हैं। अब लास्ट पेज पे देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, जरा गौर से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले यहां पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर प्रॉपर अच्छे से आपको दिख रहा है तो जरा गौर करिएगा, गौर फरमाइएगा। यहां पे 14,354 सीट अभी भी वैकेंट है। अब किस किस कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच का कितना सीट वैकेंट है वो हम आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। अब अच्छा एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है सर? तो यहां पे समझने वाली बात यह है, देखिएगा बच्चों कि हम आपको जैसे यहां पे बता देते हैं कि यहां पे कॉलेज है आपका आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। देखिएगा बच्चों समझिएगा, अब आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जो है अपना, वहां पे आप यहां पे देखेंगे कि ब्रांच वाइज आपके ब्रांच वाइज आपका कितना सीट वैकेंट है वो प्रॉपर मेंशन किया गया है, प्रॉपर मेंशन किया गया है, जिसमें आप प्रॉपर ये बता सकते हैं कि आप कितना सीट है और उसके लिए आप फाइट कर सकते हैं। आप कॉमेंट के को अभी भी देख सकते हैं। अब बच्चों देखिए, मैं अगर आप लोग अगर कोई ऐसे कॉलेज का नाम बता दें जिसके बारे में हम आपको बता पाए तो वो आप हमें कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपके लिए उससे रिलेटेड आपको मैं बता पाऊं। मैं आपको अभी एक्सक्लूसिव राउंड में कितने रैंक तक का कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा वो भी वीडियो लाऊंगा आपके लिए, सिर्फ आप लोग के लिए बच्चों। तो कमेंट में जरूर लिखिए, अगर ये ऐसी डिमांडेड वीडियो है तो जरूर लिखिए। अब आते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये सारे अच्छा सा कॉलेज जो है मैं बात कर लेता हूं केली का। केली जो है उसमें जो है आप देखिए कि सिविल इंजीनियरिंग में कितने सीट है, ठीक है, आपका 12 सीट है, 17 सीट है, 5 सीट है। तो इस तरीके से जो भी सीट वैकेंट है, अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉमेड के वेबसाइट से। और अगर आपको इतना करने में परेशानी हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, MCM पटना टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर या फिर आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहां से ये PDF आप देख के कि कितना सीट कौन से कॉलेज में वैकेंट है और आपकी चांस
चांसेस क्या है। थर्ड राउंड की क्लोजिंग रैंक देख लेंगे हम लोग। थर्ड राउंड की क्लोजिंग रैंक के बाद हम ये देख लेंगे कि कितना कितने रैंक तक मेरे को और भी मिल सकता है, तो अंदाजा हम यहां से बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बच्चों हाँ, खुद का ख्याल जरूर रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।